हेलो फ्रेंड, टेक विद मनीष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार चंद्रा और आज का टॉपिक है ये हमारा इंडक्शन कुकटॉप का पीसीबी सर्किट है, जो कि इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप का पीसीबी सर्किट है इंफ्रारेड, जो कि मैं आपको इस वीडियो में टू ट्रांजिस्टर जिसमें दो ट्रांजिस्टर यूज हुआ है उसका सर्किट डायग्राम के बारे में बताऊंगा। इसमें टोटल तीन ट्रांजिस्टर यूज हुआ है, जो कि Q1, Q2, Q3, जिसमें कि Q1 ट्रांजिस्टर SS8050 है, जो कि यह NPN ट्रांजिस्टर है, तो वह फैन के लिए यूज हुआ था। और दो अदर ट्रांजिस्टर है Q2 और Q3, जिसमें Q2 ट्रांजिस्टर SS8050 है, जो कि यह NPN ट्रांजिस्टर है, और Q3 SS8550 ट्रांजिस्टर है, जो कि यह PNP ट्रांजिस्टर है। उन दोनों ट्रांजिस्टर के बारे में आपको बताऊंगा और इसका सर्किट डायग्राम भी बताऊंगा और इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट कनेक्ट है उसके बारे में बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप पीसीबी सर्किट, दो ट्रांजिस्टर सर्किट डायग्राम, ठीक है। इसमें टोटल दो ट्रांजिस्टर यूज हुए हैं उसका सर्किट डायग्राम बना के बताऊंगा और इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट कनेक्ट है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं Q2 और Q3, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इस ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा, इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट कनेक्ट है और क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Q2 ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये हमारा SMD पैकेज में ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। SMD ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जिसका वैल्यू का मेंशन है SS8050, जो कि यह NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है, जिसका बेस पॉइंट से जो कंपोनेंट कनेक्ट है R8, ठीक है, जो कि यह 0 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है R8, वह 0 ओम का रेजिस्टेंस है और ये आगे जाके ट्रैक डिस्प्ले कंट्रोल पैनल के चौथा नंबर पिन में कनेक्ट है, जो CN1 से नंबर गिनेंगे तो चौथा नंबर पिन से कनेक्ट है डिस्प्ले कंट्रोल पैनल से। जो डिस्प्ले कंट्रोल पैनल का जैक से चौथा नंबर पिन से कनेक्ट है, ठीक है, इसका बेस पॉइंट। और उसके बाद इसको हम लोग फर्स्ट पिन मान लेते हैं, तो इसमें से दो कंपोनेंट कनेक्ट है, आप देख सकते हैं दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है सीरीज में, ठीक है, दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है सीरीज में R7 R6, ठीक है, जो कि R7 SMD रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू का कोड है 154 और R6 का 204। ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट है। अगर आप SMD रेजिस्टेंस वैल्यू निकालना कैसे निकालते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर लिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं कि ये कितना ओम का रेजिस्टेंस बनता है और ये कितना ओम का रेजिस्टेंस बनता है। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना लिया हूँ और अपलोड कर चुका हूँ, वहां से आप जाके देख सकते हैं कि कितना ओम का रेजिस्टेंस बनता है ये SMD पैकेज में जो दिया गया है कोड। उसके बाद ये आगे जाके ट्रैक जो कि इस PCB सर्किट को मेन सप्लाई देते हैं न्यूट्रल और फेस से, वहां से कनेक्ट हो जाता है
जो कि यह न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट है 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं और इसी में कनेक्ट है कॉइल का इनपुट पॉइंट, ठीक है। कॉइल का इनपुट पॉइंट कनेक्ट है जो फर्स्ट दिया है 250 वोल्ट में काम करता है, डायरेक्ट एसी में भी काम करता है, इसी कारण मैं 250 वोल्ट एसी सप्लाई लिखा हूँ। यही हमारा कॉइल का इनपुट पॉइंट है और जो पीसीबी सर्किट को मेन सप्लाई देते हैं न्यूट्रल का, वो भी ये भी मेन सप्लाई है, यहीं से सप्लाई देते हैं। आप इसका लास्ट पिन है उससे एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी कनेक्ट है, ठीक है, जिसका नंबर है 78L05 जो कि सेकेंड नंबर पिन है, ठीक है। पिन नंबर 2 है जो कि ग्राउंड का है, ठीक है। ग्राउंड बोले तो माइनस का है, नेगेटिव पॉइंट का है, ये बोल सकते हैं। तो ये हमारा एक ट्रांजिस्टर का कनेक्शन आपको पता चल गया होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसके बाद दूसरा ट्रांजिस्टर देखते हैं और उसका कनेक्शन देखते हैं और इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट कनेक्ट है उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा ट्रांजिस्टर Q3 है, SS8550 ट्रांजिस्टर है और यह PNP ट्रांजिस्टर है और इसका एक नंबर पिन, ठीक है, एक पिन से एक रेजिस्टेंस कनेक्टर है जिसका वैल्यू है 472। यह हमारा SMD पैकेज में कोड दिया गया है 472। अगर इसको ओम में कनेक्ट करेंगे तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना लिया हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कैसे फाइंड करते हैं SMD रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है, कैसे निकालते हैं। तो ये आगे जाके डिस्प्ले कंट्रोल पैनल के 1 नंबर पिन में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। डिस्प्ले कंट्रोल पैनल के 1 नंबर पिन में कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे कि CN1 डिस्प्ले कंट्रोल पैनल का जैक है और इसके 1 नंबर पिन में कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि मैं आपको अभी लाइव प्रूफ बताऊंगा। जैसे Q3 है तो ये आप देख सकते हैं, ये है CN1 डिस्प्ले कंट्रोल पैनल का फर्स्ट नंबर पिन है जिसमें 472 रेजिस्टेंस कनेक्ट है और Q3, इसी के बारे में आपको समझा रहा हूँ, Q3S8550, ठीक है, इसका एक नंबर पिन से कनेक्ट है, ये आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ, ये रहा, ठीक है। और उसके बाद इसका बेस पॉइंट, ये हमारा बेस पॉइंट है, से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है R4, ठीक है। मैं इस सभी वीडियो को 2 जैक वाले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मेरा टॉपिक है ट्रांजिस्टर वाला, तो ट्रांजिस्टर में भी इसको भी समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बेस पॉइंट में R4 रेजिस्टेंस कनेक्ट है और इसके सीरीज में R5 कनेक्ट है जिसका वैल्यू है 102, जो कि ये SMD रेजिस्टेंस का कोड है और इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको निकालेंगे ओम में, तो इसके हमारा 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस बनता है, 1000 ओम का रेजिस्टेंस बनता है R5, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट हो जाता है, तो ये हमारा यही कंपोनेंट कनेक्ट होता है R5 रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये आगे जाके एक फ्यूज से कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि 12 एम्पियर का फ्यूज है और यह 250 वोल्ट एसी सप्लाई में काम करता है और ये आगे जाके जो न्यूट्रल और फेस लाइन देते हैं वहाँ से कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं यहीं से, ठीक है।
ये लाइव वायर हो गया, ये न्यूट्रल वायर हो गया, ठीक है। दोनों को समझ में आ गया होगा, दोनों अलग अलग ट्रांजिस्टर में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसका लास्ट पिन जो तीसरा पिन होते हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट कनेक्ट है उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। तो सबसे पहले कनेक्ट होता है एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी जिसका नंबर है 78L05, ठीक है, जिसका पिन नंबर फर्स्ट से कनेक्ट है, जो कि आउटपुट का पॉइंट होता है, ठीक है, आउटपुट का पॉइंट होता है जो कि 0.5 वोल्ट इस वोल्टेज रेगुलेटर के आईसी में आउटपुट करता है 5 वोल्ट। और यह हमारा डिस्प्ले कंट्रोल पैनल के 8 नंबर पिन में कनेक्ट हो जाता है। डिस्प्ले कंट्रोल पैनल के 8 नंबर पिन में कनेक्ट हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। CN1 लिखा हूँ, यह डिस्प्ले कंट्रोल पैनल का जैक है जिसका 8 नंबर पिन में कनेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ से एक कैपेसिटर कनेक्ट है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक है, रेजिस्टेंस कनेक्ट है 472 का, ठीक है, जो कि यह SMD पैकेज या SMD रेजिस्टेंस वैल्यू का कोड है 472। और ये आगे जाके C10 कैपेसिटर से कनेक्ट हो जाता है जिसका वैल्यू का मेंशन है 104। ये भी SMD कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के बीच में एक डिस्प्ले कंट्रोल पैनल का जैक है जिसमें 5 नंबर पिन से कनेक्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। और कैपेसिटर के आगे से एक और ट्रैक गया है जो कि डिस्प्ले कंट्रोल पैनल का जैक का पिन है और ये आगे जाके 2 नंबर पिन में कनेक्ट हो जाता है, डिस्प्ले कंट्रोल पैनल का जैक के 2 नंबर पिन में कनेक्ट हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप देख सकते हैं मैंने कैसे 2 ट्रांजिस्टर को डिस्क्राइब किया और इसका सर्किट डायग्राम के साथ कौन कौन सा कंपोनेंट कनेक्ट है उसके बारे में बताया है। और ये हमारा छोटा सा और वीडियो है जो आप ये देख सकते हैं। इस PCB सर्किट में IGBT यूज ना हो करके एक ट्रैक यूज किया गया है, ट्रैक बोलते हैं TRIAC, ट्रैक लगा हुआ है, ट्रैक बोलते हैं, जिसका नंबर है BTA 16 नंबर का ट्रैक यूज हुआ है जिसका वैल्यू का मेंशन है 6008। इसमें टोटल 3 पिन होते हैं, इसको टर्मिनल 1 बोलते हैं, इसको टर्मिनल 2 बोलते हैं और तीसरा नंबर पिन गेट का होता है, ठीक है, इसको मेन टर्मिनल बोलते हैं MT1 MT2, ठीक है, मेन टर्मिनल भी बोलते हैं, एनोड भी बोलते हैं, एनोड 1 एनोड 2, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि टर्मिनल मेन टर्मिनल 1 मेन टर्मिनल 2, ठीक है, और जो तीसरा नंबर पिन होता है वो गेट का होता है, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको सर्किट डायग्राम के बारे में बता देता हूँ, इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट कनेक्ट है और क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो लास्ट पिन गेट का है, ठीक है, तो ये हमारा 3 नंबर पिन है। से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है R5 जो कि SMD पैकेज में है जिसका वैल्यू है 102, और इसको रेजिस्टेंस में कनेक्ट करते हैं जिसका इसका ओम कितना ओम का रेजिस्टेंस है
तो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसके बाद जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है R4, ठीक है, वो भी ये R4 रेजिस्टेंस है, और ये आगे जाके Q3 क्या है, ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर Q3 से कनेक्ट हो जाता है बेस पॉइंट से, ठीक है, इसके बेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है, और इस ट्रांजिस्टर का वैल्यू है SS8550 और यह PNP ट्रांजिस्टर है, ठीक है, आप समझ गए होंगे, जो कि यहाँ से कनेक्ट है, आप देख सकते हैं, आप भी समझ गए होंगे, यहाँ से ऐसा के बेस पॉइंट से कनेक्ट है, इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसका सेकेंड नंबर पिन, ठीक है, इसका सेकेंड नंबर पिन क्वाइल के आउटपुट पॉइंट में कनेक्ट है, जो क्वाइल यूज होता है, जो इंडक्शन कुक टाइप के क्वाइल यूज होता है, उसके आउटपुट पॉइंट में कनेक्ट हो जाता है, और इसको भी हम डायरेक्ट 250 वोल्ट एसी सप्लाई देके जला सकते हैं, इसीलिए मैं इसको लिखा है डायरेक्ट 250 वोल्ट एसी सप्लाई से भी जला सकते हैं इंडक्शन कुक टॉप के कॉइल को, जो कि इंफ्रारेड इंडक्शन कुक टॉप को, ठीक है। उसके बाद 1 नंबर पिन आता है, ठीक है, 1 नंबर पिन से एक यहां से कनेक्ट है, आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट जाके 3 नंबर पिन में कनेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, एक रेजिस्टेंस के साथ से कनेक्ट है, ये आप देख सकते हैं इसका ट्रैक, आप यहां से एक आप लाइन दे सकते हैं, जो कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट डिस्क्राइब किया है यहां पर, लाइन दिया, फेस वायर दिया है 220 वोल्ट एसी सप्लाई, यहाँ पर फ्यूज लगेगा, ठीक है, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।